Dear student, today I will discuss significant figure. We have already discussed some topic of this chapter. For example, derived unit, fundamental unit, and system of unit. For example, CGS system, MKS system, and SI system, FPS system. So today I will discuss significant figure. So first, how to define the significant figure? Significant figure means in the measurement of a quantity, the digit measured accurately and the first doubtful digit are called the significant figure. यानी number of digit कितनी है किसी numbers में वो हमें count करना है, वही उसकी significant figure होती है जो है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के बहुत सारे रूल्स हैं, चार पांच रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के। और कभी कभार एक नंबर में पूछा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, कोई नंबर आपको दे दी गई और उसमें कहा गया कि आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करिए जो है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल है आपके सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के जो है, तो एक एक रूल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए तब तक आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। तो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है आपका, जरा देखिए। फर्स्ट रूल है आपका, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती है सभी सिग्निफिकेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपके पास कोई वैल्यू है 23.68। अब इसमें डेसिमल का कोई इफेक्ट नहीं है, जितने नंबर ऑफ डिजिट है वो उसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, टू ये हो गए और टू ये हो गए, चार डिजिट है इसमें, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, फोर हो गए आपके सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 23.56। अगर हम इसमें अगर देखें सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये आपका रूल्स क्या कह रहा है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, जरा देखिए सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 5 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मेरे हिसाब से फर्स्ट आपका रूल समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहने का मतलब यह है हमारा कि सिग्निफिकेंट फिगर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये फर्स्ट रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन डिजिट वैल्यू होंगे, नॉन जीरो डिजिट वैल्यू होंगे, यानी जीरो की बात यहां पे नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जरा काउंट करेंगे जो है, ठीक है। तो ये हमारी देखिए, इसमें कोई भी जीरो नहीं था, और जब जीरो नहीं था तो जितने भी नॉन डिजिट नंबर्स हैं उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें चार थे तो यहां चार आ गए, इसमें कितने थे, पांच थे तो पांच हो गए। अब प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही है कि जहां पे जीरो भी गिवन हो, अगर जीरो भी गिवन हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे या नहीं कैलकुलेट के, ये सारे रूल्स हम लोग अब डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हम इस साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जीरो जो आपके हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड में है, तब हम अगर काउंट करेंगे या नहीं करेंगे जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में, या राइट हैंड साइड में जीरो है तब सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम कैलकुलेट करेंगे जीरो को या नहीं करेंगे, ये सारे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, जरा देखिए, सेकेंड पॉइंट है ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी जीरो होंगे आपके,
अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सभी के सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर नॉन डिजिट जीरो के बीच में, नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में अगर जीरो है तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे सारे जीरोस को। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, ये आपका एग्जांपल है और इस एग्जांपल में जरा देखिए 200 यानी 200 हुआ 0.03। अब ये आपका नॉन जीरो है, 2 आपका नॉन जीरो है और 3 आपका नॉन जीरो है और इन दोनों के बीच में आपके जीरो आ रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो भी जीरो होंगे वो सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए, जो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जरा, मान लेते हैं 20.005, ठीक है। अब इसमें भी देखिए जरा, 2 और 5 तो नॉन डिजिट हो गई आपकी और इस नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में जीरो कितने हैं वो भी अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 5, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए वो ये कहते हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सभी की सभी सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। दूसरा रूल्स आपका क्या है, दूसरा रूल्स ये है जो भी जीरो होंगे अगर वो नॉन डिजिट नंबर्स के बीच में है तो वो सारे जीरो जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं जरा, ऑल जीरो यानी जो भी जितने भी जीरो हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन डिजिट यानी नॉन डिजिट के राइट में है, हैविंग नो डेसिमल पॉइंट यानी जहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, आर नो सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखिए ये जो कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यू कोई नंबर्स दिया है और उसके राइट हैंड साइड में जीरो गिवन है लेकिन डेसिमल नहीं है, वहां पे जो है कोई भी डेसिमल लगा हुआ नहीं है तो वो जीरो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे जो है। फॉर एग्जांपल जरा देखिए यहां पे, ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू गिवन है 8600, ठीक है। और इसमें देखिए जरा राइट हैंड साइड में इस वैल्यू जो नंबर्स हमारे नॉन डिजिट जो नंबर हैं उसके राइट हैंड साइड में क्या है, ये जीरो है, 2 जीरो है आपके, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये जीरो आपके क्या कहा जाएंगे, और यहां पे 4 भी है, मान लेते हैं ये 4 भी है, ठीक है। कितना दिया है वैल्यू, 86400, ठीक है। तो 86400, अब ये जीरो जो आपके हैं वो नॉन डिजिट के राइट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है लेकिन डेसिमल कोई नहीं लगा हुआ है यहां पे, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3, क्यों, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे क्योंकि इसमें हम जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे कोई भी डेसिमल नहीं है। तो आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट क्या था आपका, पहला पॉइंट ये था कि नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट की जाएंगी। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि दो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो हो गए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाएंगे। और तीसरा आपका रूल ये था कि जितने भी नॉन जीरो होंगे अगर वो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में है और डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन बट देखिए नीचे भी, बट सच जीरो और सिग्निफिकेंट इफ दे अराइजेज ड्यू टू मेजरमेंट, यही जीरो मान लेते हैं डेसिमल लगा हो या नहीं लगा, यहां पे अगर नहीं लगा है डेसिमल तो पहले तो इन्होंने ये बताया कि जितने भी जीरो आपके हैं राइट हैंड साइड में और डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो वो जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन
अगर यही वैल्यू कोई मेजरमेंट किया जाए, मेजरमेंट का मतलब कोई एरिया कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, कोई आपका दिन एक मान लेते हैं वन डे में आपके सेकेंड कैलकुलेट किए जाए, ठीक है, तो उसमें जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन एक दिन में सेकेंड निकालने कितने होंगे, तो एक दिन में सेकेंड कितने होंगे, एक दिन में आपके क्या होंगे 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में मिनट पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड हो जाएंगे। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे देखिए 86,400 यानी 86,400 आपके सेकेंड आ जाएंगे। अब इन जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये मेजरमेंट वैल्यू है, मेजर किया है हमने सेकेंड को जो है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। यदि अगर आपके पास ये वैल्यू 86,400 ये अगर वैल्यू आपने मेजरमेंट किया है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही कोई वैल्यू गिवन है, इतनी वैल्यू गिवन है, तो उसमें हम लोग जीरो काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। मेरे हिसाब से आपको तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी इनका कहना यह है कि पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो जीरो होंगे उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है और कोई लेफ्ट साइड में है और किसी नॉन जीरो वैल्यू के बीच में है, पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है आपकी 8,64,00.00। अब यहां पे देखिए डेसिमल लग गया, ये आपका डेसिमल हो गया लग गया यहां पे। अब ये वाले जो जीरो हैं आपके, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये आपका कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये वाले जो जीरो हैं आप सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 5, ठीक। तो मेरे हिसाब से आपको चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है आपको, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल, यानी जितने भी जीरो हैं वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में है पर आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 5.00 और 0.5600। अगर कोई वैल्यू ऐसी गिवन है और कोई डिजिट गिवन है, यहां पे ये कोई डिजिट गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे 0.5600 और इस तरीके से कोई नंबर है, तो इसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या होंगे, ये जो डेसिमल है डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, डिजिट भी है और नंबर भी है, तो यहां पे नंबर ऑफ ये जो जीरो है ये आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट करेंगे जो है, ठीक। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले मेरे हिसाब से चार पॉइंट आप पांच पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम पॉइंट सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा पॉइंट क्या है, ऑल इनिशियल जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, यानी जितने भी इनिशियल जीरो है आप राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी इनका कहना यह है कि अगर पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर जीरो है और उसके बाद नॉन डिजिट वैल्यू है, नॉन जीरो डिजिट वैल्यू है, तो वो जीरो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जरा देखिए, 0.345
और 0.0345, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जरा देखिए इस जीरो को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है। काउंट हमें क्या करना है सिग्निफिकेंट नॉन जीरो वैल्यू, कौन से? ये वाली 1, 2, 3। तो यहां पे कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए जरा, ये वाला जीरो भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो जीरो स्टार्ट हो रहा है, उसको जीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। केवल नॉन जीरो डिजिट जितनी है उनको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए जरा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3, यानी 1, 2, 3। ठीक है, तो इस तरीके से शायद आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी हमने बताए वो सारे आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स में और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वैल्यू गिवन हो, 3, 2, 3, 4 या 5 कुछ वैल्यू गिवन हो आपकी, और उनको ऐड करना हो, और ऐड करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? या कोई वैल्यू पावर में गिवन है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? या कोई वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दो वैल्यू गिवन है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? या आप सेपरेट कर रहे हैं, कोई दो वैल्यू है तब आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी हम पॉइंट आपको बहुत डीपली बता देते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन एकाध आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे भी इसके जब भी हम अदर चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां कहीं कहीं ना कहीं पे हमें यूज करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करना पड़ेगा, राउंड ऑफ को यूज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी हैं वो कैसे हम करके, उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी नेक्स्ट चैप्टर जहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पर इन चीजों का यूज है। तो जितने भी रूल्स हैं आपके, ये सारे रूल्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करने के बाद जो भी नंबर्स आपके पास हो उन नंबरों में आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने आप कैलकुलेट करके देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं कोई वैल्यू गिवन हो तो। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए जो रूल्स है वो हमने सारे आपको बता दिए हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर वैल्यू कोई गिवन हो, 2-3 वैल्यू गिवन हो तो उनको एड करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जरा देखिए, अगर वैल्यू बहुत कोई गिवन हो और ऐड करना हो, ऐड करने के बाद ही आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना हो, अगर वैल्यू गिवन हो तो कोई मान लेते हैं कि 2 वैल्यू गिवन है या 3 वैल्यू गिवन है तो उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग कि कोई मान लेते हैं एक वैल्यू दी है 2.486, ये वैल्यू गिवन है, और दूसरी वैल्यू गिवन है 0.048 गिवन है, और तीसरी वैल्यू गिवन है आपकी मान लेते हैं कि 0.0034। ठीक है, ये 3 वैल्यू गिवन है और कहा गया इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो जरा ऐड करके देखते हैं जरा इनको, 2.486 ये कितना हो जाएगा, 0.048 ये वाली वैल्यू आ गई, ये 0 भी इधर लगा लीजिए, और ये वाली जरा वैल्यू लिखिए 0.0034। ठीक, अब यहां पे देखिए राय ये कम लेगा, 0 बढ़ा दीजिए, अब इसको ऐड करिए 4, ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 13, और ये 5, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई जो है, अब इसको हम लोग 3 डिजिट वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, यानी 3 डिजिट वैल्यू जो आपकी आ जाएगी,
यहां से देखिए जरा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी राउंड ऑफ भी बताएंगे कि राउंड ऑफ कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे जरा। अब यहां पे देखिए टू पॉसिबल वैल्यू, टू पॉइंट, अब यहां पे अगर इसको राउंड ऑफ कर दीजिए तो ये फाइव से ग्रेटर, अभी राउंड ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है राउंड ऑफ, तो ये सेवन है, सेवन अगर फाइव से ज्यादा है तो एक इधर बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा फोर। अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए थ्री, क्योंकि ऑल जितनी भी वैल्यू है सारी आपकी क्या है नॉन डिजिट वैल्यू है, ठीक है। दूसरी एक पॉसिबल वैल्यू ये भी हो सकती है 2.5, क्योंकि यहां पर ये 3 आ रहा है तो उसके बाद सिकल तरफ 5 से लेते इसका कोई मतलब नहीं है, और यहां पे 4 आ जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि 5 से लेते इसको हटा सकते हैं हम लोग जो है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू ज्यादा करेक्ट है, यानी ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा वैल्यू करेक्ट है, क्योंकि ये तो 4 है, इसको तो हम लोग क्या करें, ये तो हटा ही सकते हैं राउंड ऑफ में जो है, क्योंकि ये 5 से कम है, ठीक है। ये तो हो गए एडिशनल की बात, ऐड करेंगे तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। अगला जरा हमारा क्या, अगर सेपरेट करें कोई दो वैल्यू दी हूं, अगर दो वैल्यू कोई गिवन हो, जैसे मान लेते हैं 200.8 वैल्यू गिवन हो और दूसरी वैल्यू आपकी कौन सी गिवन हो, ये आपकी मान लेते हैं 0.2 गिवन हो और इसको सेपरेट करना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 6.002, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है और दोनों के बीच में हमारे पास क्या है पॉइंट भी है, और हमने रूल्स में आपको बताया है कि जीरो भी दो डिजिट के बीच में जो भी जीरो होंगे वो सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे और राउंड ऑफ करने के बाद जो है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर पावर्स में वैल्यू गिवन है, मान लेते हैं एक वैल्यू 7, 8, 4, 6 दी हुई है और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है 5×10³ गिवन है, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी पावर्स में पहले लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे 7×10³ × 5×10³, ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखिए ये पावर 35×10⁻ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर एडिंग होती है। अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हो गए, नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे आपकी और ये जितने भी जीरो होंगे वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक। अगला देखिए, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि कई बार कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है ये जो है, तो इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक, तो यहां पे देखिए ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब ये होगा, पहले तो हम राउंड ऑफ की जो आपसे कहा था कि राउंड ऑफ क्या होता है राउंड ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राउंड ऑफ का मतलब ये है 2.45 अगर आपके पास गिवन है, तो अगर ये 5 है यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या, जैसे n×10⁻ ये कोई वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू कोई गिवन है आपके पास और n का मतलब ये है n की वैल्यू जो यहां पे होगी, n का मतलब होता है 1 to 10, 1 से 10 तक की कोई भी वैल्यू n की जगह पे हो सकता है। मान लेते हैं हो सकता है n=1 हो, तो यहां पे पुट करिए क्या हो जाएगा 1×, और s का मतलब होता है पावर, 1 भी पावर हो सकती है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी 7 भी 8 कोई पावर हो सकती है, तो 10⁻ मान लेते हैं 4 है, x की वैल्यू क्या है 4, तो वैल्यू अब इसकी क्या हो गई 1×10⁴ हो गई। अगर n=1 से 10 तक हमने n की वैल्यू बताया है ना,
तो 1 से 10 तक का मतलब ये n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 यानी 10 तक कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। मान लेते हैं वैल्यू 7 है n की वैल्यू, तो 7 इंटू 10 पावर मान लेते हैं 5 है, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर आपके पास गिवेन हो और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा देखिए। तो इसको जरा समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक नंबर में कभी कभार ये पूछ दिया जाता है। तो हमने आपसे कहा कि n इंटू 10 पावर x के फॉर्म में कोई वैल्यू है वेयर n इक्वल टू 1 to 10, यानी n की वैल्यू जो 1 से 10 तक होगी। तो याद रखिएगा, इफ n की वैल्यू जो होगी अगर इक्वल टू हो जाए 3.16 या लेस देन हो जाए, या लेस देन हो जाए अगर आपकी 3.16 है, ठीक है। अगर ये n की वैल्यू 3.16 हो या 3.16 से लेस हो तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा जो पावर होगी वैल्यू, यानी 10 की जितनी पावर होगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये वैल्यू आपकी 2 × 10⁷ है। अब यहां पे n की वैल्यू देखिए 2 क्या है, 3.16 से लेस है 2, यानी 2 इज लेस देन 3.16, समझ रहे हैं। ये आपकी वैल्यू क्या है, 2 जो है 3.16 से लेस है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10⁷, ठीक है, 10⁷, यानी जितनी 10 की पावर होगी वही उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा अगर n की वैल्यू इक्वल आर लेस देन 3.16 से है, यानी 3.16 से अगर लेस वैल्यू है या इक्वल वैल्यू है तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वही हो जाएगा जो पावर उसकी 10 की गिवन है, ठीक। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम जरा इसी में, इफ n इज ग्रेटर देन 3.16, अगर आपकी n की वैल्यू 3.16 से ग्रेटर है तो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे करें, यानी एग्जांपल ले लीजिए। मान लेते कोई वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁸ वैल्यू दी हुई है, ठीक, और ये कह रहे इसमें आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे n इज ग्रेटर देन 3.16, ठीक, यानी जो n की वैल्यू है वो 3. यानी 5 क्या है, यहां पे 5 आपकी ग्रेटर देन 3.16 है, यानी 5 जो वैल्यू है वो 3.16 से ग्रेटर है। अब जब ग्रेटर है वैल्यू तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा आपका 10⁸ + 1, यानी 1 पावर ऐड हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा आपका 10⁹। यानी इस केस में आप जो पावर, जैसे ये वैल्यू आपकी गिवन थी n इंटू 10⁻X वैल्यू गिवन थी, ठीक है, और यहां पे आपकी जो वैल्यू है इफ n इज लेस देन 3.1, लेस देन एंड इक्वल टू है, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁻X हो जाएगा,
ठीक, अगर वैल्यू एनज की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 3.16 है, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और सेकेंड आपका क्या हो जाएगा इसमें, एन इज ग्रेटर देन 3.16 है अगर, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10^(x+1) यानी 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी उसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से जितना भी पॉइंट हमने आपको बताया है समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बहुत आपको स्लो से मोशन में आपको ये चीज बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए, सारे पॉइंट्स पे हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस लेक्चर में आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम फिर लेके आएंगे आपका जो है कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे इस चैप्टर के, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे यानी डायमेंशंस कैलकुलेट करने की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे जो है, ठीक है। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर की वीडियो थी उसको भी देख लीजिएगा, और जो इस जो जो, जो ये लेक्चर की वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट ये भी है, तो इसको भी बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हर एक लेक्चर की वीडियो नहीं देखेंगे, सभी लेक्चर की वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में फिजिक्स नहीं आने वाली है, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट तो हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वीडियो आपकी लेक्चर वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, सारी लेक्चर वीडियो आप देखिए, तब आपको फिजिक्स पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे इसके, और उसके बाद हम लोग डायमेंशन चैप्टर के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो थैंक यू।